Okay, let's get started. So, hey guys, it's me Deep Life back again with another video. और recently मैं Instagram पे काफी workout related stuff डाल रहा था और मुझे लोग पूछ रहे थे कि Deep Life तुम्हारे घर पे जो सारी जिम के इक्विपमेंट्स है वो हमें बताना, हमें अपने घर पे एक जिम सेटअप करनी है, छोटी सी, इतनी ज्यादा कुछ फैंसी नहीं, पर वो कैसे करते हैं, व्हाट आर द बेसिक इक्विपमेंट्स दैट वी विल नीड टू सेट अप अ होम जिम इनिशियली. तो ये वीडियो आपके लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है. अगर आपके पास एक फिट बॉडी है तो आपका माइंड भी शार्प रहता है. अट्रैक्टिव लोग नॉर्मल लोगों से ज्यादा कमाते हैं, अट्रैक्टिव लोग सोशल मीडिया पे भी ज्यादा चलते हैं. तो बीइंग अट्रैक्टिव, फीलिंग हेल्दी, फीलिंग स्ट्रॉन्ग इज ऑलवेज अ प्लस. पता नहीं आप लोगों के ट्रांसफॉर्म होने का क्या कारण है. अभी न्यू ईयर भी आ रहा है तो बहुत लोग ऐसे मंथ्स बहुत जल्दी चले जाएंगे एंड लोग ऐसे उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ वर्कआउट करने जाएंगे, जिम की मेंबरशिप लेंगे. पर कितना अच्छा होगा अगर आपके घर पे ही जिम हो. तो वैसे ही मैंने अपने घर पे जिम सेटअप कर लिया, पैसे बचा बचा के घर पे एक जिम बना दी, सो दैट मुझे जिम जाने का खर्चा और टाइम वेस्ट ना हो. राइट नाउ थोड़ा स्वेट कर रहा हूँ क्योंकि फैन बंद रखा है वीडियो बनाने के लिए. राइट नाउ ऑल्सो आई हैव गेन्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ वेट एंड दैट इज मसल वेट. ये टी शर्ट भी बहुत ज्यादा टाइट होने लग गई है, वो बदलते ही जा रही है ओवर द इयर्स. एज आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर आई एम एबल टू चेंज माई बॉडी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं आपको वो सारी जिम इक्विपमेंट बताता हूँ जो ओवर द इयर्स मैंने इकट्ठा किया है एंड जिसकी वजह से मैं घर पे अच्छे से ट्रेन कर पाता हूँ एंड आई एम एबल टू चेंज माई फिजिक क्वाइट अ लॉट. तो पहले मैं कुछ इस तरह था और वक्त जाया ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ. लाइफ की स्टोरी स्टार्ट होती है बचपन में, जब मैंने पहली बार मेरे लाइफ में कोई डंबल उठाया था. वो ये था, 2 किलो का रहेगा, बहुत हल्का डंबल है. मेरे ग्रैंडफादर जो थे एक रेसलर थे और उनके घर पे डंबल्स होते थे. तो मैंने ग्रैंडफादर को एक बार पूछा, यार ग्रैंडफादर क्या मेरी कभी बॉडी बन सकती है? तो ही वॉज लाइक यस. तो मैंने पूछा कैसे? तो ही वॉज लाइक ये वेट उठाने का और ऐसे रेपिटेशन मारने के. बचपन में ही मैंने ये उठाया एंड माई ग्रैंडफादर वॉज लाइक नो अभी नहीं करना है, जब भी 14 साल के ऊपर हो जाओ, जब भी हाइट बीट बढ़ जाए अच्छे से तभी करना है. तो अभी इसकी हालत आप देख सकते हो, इसको मैंने थोड़ा कलर भी किया था बीच में बिकॉज आई एम द रंगीन बॉय. वी ग्रेजुएटेड टू दीज वेट्स. ओके, सो दीज आर, यू कैन सी हियर, 3 किलो लिखा रहेगा. ये मेरे काका के वेट्स है और काका इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय, ऑलमोस्ट 6 फीट टॉल, 100 किलोज. तो ही यूज टू लिफ्ट वेन ही वॉज अ यंग बॉय एंड तभी से ये हमारे फैमिली में. सो दिस इज अ 5 kg. तो इन डंबल्स से मैंने स्टार्ट किया. मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ आपको. तो कुछ इस तरह मेरे को लगता था रोज मेहनत करने का तभी जाके बॉडी बनेगी, पर मुझे पता नहीं था रेस्ट डे भी इम्पोर्टेंट है एंड आई ओनली यूज टू डू बाइसेप कर्ल्स इससे और थोड़ा शोल्डर मार देता था, तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई. और फिर आई अंडरस्टूड, थोड़ी यूट्यूब वीडियोज देखे एंड नाउ ऑल्सो आई एम गेटिंग सर्टिफाइड. पता चला कि देर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. जब मुझे ये बात पता चली तो आई वेंट टू मोर हेवियर वेट्स जो कुछ इस तरह दिखते हैं. तो मैं इनको बजूकास बुलाता था, पता नहीं क्यों ऐसे ही मजा आता है मेरे को. तो ये दोनों भी काले कलर के थे और मुझे काला कलर वेट्स पे पसंद नहीं, कि जो ऐसे बेबी वेट्स की तरह दिखता है. बचपन में सब खिलौने चमकीले होते हैं बच्चों के, स्लाइड बीड वैसे, तो मुझे वो सारे कलर्स पसंद है. तो ये थोड़ा ऐसे क्यूट सा कलर लगता है. तो साइकोलॉजिकली मुझे ये वेट उठाने में आसानी होती है. तो ये पूरा मिला के जो मैंने बनाया है आप देख सकते हो, ऐसे नट निकाल सकते हैं. तो दीज आर एडजस्टेबल डंबल्स और इनमें प्लेट लगी होती है अलग अलग. मैं ऑलमोस्ट एक रफली कॉस्ट दे देता हूँ, टाइम के साथ जमा किया लाइफ में, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ा. और आजकल को तो आपको पता है जिम सब्सक्रिप्शन कितने महंगे हैं. अगर आप कोई हाई एंड जिम में जाते हो जिधर वैसे ढिकचिक ढाकचिक म्यूजिक बज रहा रहता है तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा. तो इसको मैंने दूसरा कलर कर दिया है, तो मुझे जस्ट देखना था गोल्डन में कैसे लगता है एंड थोड़ा सा रेडिश टोन्स में कैसे लगता है. इतने ज्यादा लेग्स नहीं मारे थे इसलिए मेरे लेग्स छोटे रह गए, जो अभी मैं ट्रेन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ माय ओलंपिक बार, जो वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगा आपको. तो ओवरऑल दिस वेट इज 19 किलोज. ये वेट्स आई रियली लव देम. और कभी मैं जब भी मर जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो कोई तो इन्हें मार के मेरे फैमिली में मेरे लीनियज से बफ हो जाएगा ऐसे मुझे लगता है, या फिर बेच देगा OLX पे. वैसे ये मैंने OLX से खरीदे थे, सीधा मैन्युफैक्चरर का नंबर मिल गया था मुझे और बहुत सस्ते में पड़े थे ये. मुझे तभी लगता है आयन का भाव 70 रुपीज ओनली लगा था. एक वेट मिला के 19 किलोज था तो मुझे ये हल्का लगने लगा. तो मैंने परचेस कर लिए ये स्टील प्लेट्स, जो क्रोम था वो उखड़ रहा है. बहुत सुंदर थे, बहुत ब्यूटीफुल थे ये प्लेट. तो ये प्लेट्स की ये खासियत थी कि ये प्लेट से वर्कआउट करके मैं हो गया इंजर्ड,
क्योंकि ये बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इसके मैं डंबल्स बना के चेस्ट ट्विस्ट आराम से मार पाता था, पर जब भी मैंने इनसे बाइसेप कर्ल लगाए तभी हो गई मेरी रिफ्ट इंजर्ड। और इसका कारण ये था कि क्योंकि इस पर अगर अब 10 किलो की प्लेट लगा दो तो ये बहुत बड़ा कुछ तो बन जाता है, एंड बाद में वो उठाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, दैट इज व्हाई आई गॉट इंजर्ड। कि अगर एक कर्ल बार रहता तो मुझे ये वेट उठाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती। तो बहुत साल तक आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई फिजिक, आई यूज टू लुक समथिंग लाइक दिस। सो मैंने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस के बारे में सोचा नहीं, पर मेल्स जो है उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन सिर्फ 30 साल तक हाई रहता है, उसके बाद थोड़ा 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 डिक्लाइन करने लगता है। तो मैंने सोचा कि अभी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मसल पुट ऑन कर लेता हूँ, और वो करने के लिए आई नीडेड मोर प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और जिम तो मुझे लगानी नहीं थी। तो मैंने और 10 किलो की दो प्लेट्स खरीद ली और मैंने खरीदा एक कर्ल बार, क्योंकि मुझे मेरे आर्म्स भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने थे। उसके बाद मैंने परचेज किया ये कर्ल बार, तब लड़कों को बड़े 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 बाइसेप्स चाहिए, कर्ल बार वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब और ज्यादा वेट उठाने का रहता है ओवर टाइम, उससे आपके मसल्स बड़े होते हैं, इसलिए मैंने खरीद लिया ये कर्ल बार। MRP 900 रुपीज है, पर मुझे इससे कम कीमत में ही पड़ा, अराउंड 700 रुपीज पड़ा। मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट जो मैंने परचेज की है वो लोकल स्पोर्ट शॉप से की है। ऑल्सो ये 10 किलो की बड़ी प्लेट्स, रबर प्लेट्स मैंने खरीदी, एंड ये छोटी प्लेट्स मेरे पास ऑलरेडी थी, ये मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ी, बट दीज आर ऑसम। इसके इधर पकड़ के हम लोग और वेरिएशंस ऑफ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। तो ये दो प्लेट्स मैंने खरीदी जिनको मैंने रेड कलर कर दिया है, क्योंकि एज आई सेड मुझे वो बेबी कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सबकॉन्शियसली ऐसे लगता है मैं बहुत ज़्यादा हल्का वेट उठा रहा हूँ, तो ओके ये परचेज कर लिया। एंड ये तो मैं कभी यूज़ नहीं करता, बट ये एप्स मारने के लिए रहता है, एप व्हील्स। मेरा जो बड़ा भाई है प्रसाद यूज टू यूज देम। तो बहुत सारे लोग जो स्पेशली जॉब पे जाते हैं उनकी रिफ्ट इंजर्ड हो जाती है, माउस पकड़ पकड़ के उनकी रिफ्ट वीक हो जाती है। आई हैव नोटिस्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ माय रिलेटिव्स के उनकी रिफ्ट के लगे पड़े हैं, एंड वो रिफ्ट कभी रिकवर होती नहीं है। तो अगर आप कर्ल बार से कर्ल करोगे तो आपकी रिफ्ट पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और आपकी रिफ्ट सेफ रहेगी। ओके, तो बहुत लोगों की रिफ्ट पुशअप्स करते टाइम भी दुखती है, तो उसके लिए हम लोग ने ये चीज परचेस की थी। ये दो चीजें आप देख सकते हो, इधर आपको ऐसी कुछ इस तरह से ग्रिप लेना है, एंड देन वी हैव टू परफॉर्म द पुशअप। तो ये सारी चीजों की जिसकी भी लिंक मुझे मिल जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप खुद परचेस कर लो। हालांकि मेरी रिस्ट एक दो बार इंजर्ड हुई है, बट इट रिकवर्ड वेरी क्विकली। तो ये पुशअप्स मारने के लिए एक एक्सेलेंट थिंग है। एंड देन ये है स्किपिंग रोप्स। अभी लड़कियां इतना ज्यादा वेट उठाना पसंद नहीं करती, तो दे कैन यूज समथिंग लाइक दिस टू स्टे फिट एट होम। स्कूल में भी बहुत सारे स्किपिंग के इवेंट्स होते हैं, तो उसमें लड़कियां पार्टिसिपेट करती है, एंड दे ऑलरेडी नो टू स्किप प्रॉपरली। आई डोंट नो टू स्किप प्रॉपरली, सो आई डोंट यूज इट, बट आई हैव इट, इसलिए मैंने आपको बताया। देर आर ऑल्सो यूट्यूब चैनल्स डेडिकेटेड ओनली टू स्किपिंग, जिससे लोग बॉडी बना रहे, तो हैट्स ऑफ टू देम। ऑल्सो जब भी मैं फिटनेस के वीडियोज बनाता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं सप्लीमेंट कौन सा यूज करते हो। सो दिस इज द डब्बा दैट आई ईट, दिस इज वे प्रोटीन, इसे दूध से बनाया जाता है, एंड इसके अंदर एक लैब टेस्ट रिपोर्ट भी आता है, तो मैं आपको वो लैब टेस्ट रिपोर्ट बता देता हूँ खोल के। सो गाइस, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आई हैव बीन यूजिंग ट्रायोन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड यू कैन सी इसके ऊपर ही लगा हुआ ये लैब टेस्ट रिपोर्ट आता है व्हेन यू अनबॉक्स दिस डब्बा, एंड इट इज़ अ थर्ड पार्टी टेस्टेड लैब टेस्ट रिपोर्ट। जो चीज़ आप खा रहे हो That is actually good, and I eat this in chocolate fantasy flavor. तो इसकी भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। This tastes great. इसे शेक भी बनाता हूँ। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था एक शेक बना के, इसकी छोटी सी रेसिपी शेयर की थी मेरी स्टोरीज में। वैसे अगर बेंच प्रेस की बात की जाए तो मेरे पास ये कॉस्को का बेंच है, तो ये कॉस्को का बेंच एडजस्टेबल है, और मैं यूजुअली ऐसे इंक्लाइन करके चेस्ट मारता हूँ, बिकॉज देर इज नो पॉसिबल वे टू एक्चुअली डू चेस्ट एट होम। अगर आप सीरियस हो, इफ़ यू वॉन्ट टू लोड लाइक 40 kgs ऑन योर चेस्ट एंड डू समथिंग एट योर होम, तो आपको एक बेंच तो लगेगा, एंड ये बहुत ज़्यादा मजबूत बेंच है। इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा वेट डाल के भी एक्सरसाइजेस की है, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग्स एंड वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स अगर आपको अपर बॉडी सीरियसली घर पे बनानी है तो यू नीड अ बेंच। ये दो प्लेट्स है, ये यूजुअली मैं इधर लगा देता हूँ, और राइट नाउ ये बार का खुद का वेट अराउंड 4.5 kilos है, तो आई एम एबल टू डू अ नाइस शोल्डर प्रेस ऑफ 45 kgs फॉर अराउंड 10 reps फॉर 5 sets। सो या आई एम एक्चुअली गेटिंग क्वाइट स्ट्रॉन्गर। जो भी सारी लड़कियां ये वीडियो देख रही है, आप लोग भी वेट उठा सकते हो। यू वॉन्ट बिकम अ
मस्क्यूलर मेल बॉडी बिल्डर लाइक एक फेमिनाइन फिगर बन जाएगा, अच्छे लगोगे, तो आप भी वेट ट्रेनिंग करना घर पे। एंड आई बिलीव एवरी सिंगल बॉडी कैन ट्रांसफॉर्म। अगर आपके घटिया से घटिया जेनेटिक्स है तो भी यू कैन पुट ऑन एटलीस्ट 10 टू 12 केजीज ऑफ लीन मसल मास ऑन योर बॉडी। न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर से स्टार्ट करो, बट कभी तो कुछ तो करो, क्योंकि ओवर द इयर्स इट विल कंपाउंड एंड बाद में एक सेक्सी सा फिगर बन जाएगा आपका। अगर आपको इतनी सारी इक्विपमेंट अफोर्ड नहीं होती है, अगर आपका घर छोटा है, तो भी 2-10 किलो के डंबल्स ले लोगे तो बहुत सारी एक्सरसाइज कर पाओगे, मिलिट्री प्रेस मार पाओगे, डंबल कर्ल्स मार पाओगे, बैक रोज कर पाओगे, और चेस्ट आपको मारने में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी, पुशअप्स मारने पड़ेंगे, गॉबलेट स्क्वाट्स कर पाओगे। तो इतनी सारी एक्सरसाइजेस जिसके नाम बोले ये आप डंबल से कर सकते हो। यू कैन वेयर ग्लोव्स एंड वर्कआउट, बट आई डो नॉट वेयर एनी ग्लोव्स एंड दैट इज व्हाई माय हैंड्स आर ऑलवेज लाइक कड़क कड़क। सो गाइज आई होप यू एंजॉयड, आपको थोड़ी आइडिया आई रहेगी एंड आपने मेरी सारी जिम इक्विपमेंट देख ली होगी। आई होप यू लव दिस वीडियो। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे पाऊँ, एंड अगर आपको चाहिए मैं किसी टॉपिक पे स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वेल गाइज आई होप यू लव दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।